हेलो दोस्तों, मैं नबील। स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो यहां पर ये है दोस्तों मेरे पास Vivo V23 और Vivo V23e स्मार्टफोन। हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोस्तों दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है, हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं Vivo V23 की। यहाँ पर ये रहा मेरे पास V23 और यहाँ पर ये रहा V23e। यहाँ पर Vivo V23 की बात करें तो आपको सबसे पहले चीज तो यहाँ पर फ्लैट साइड्स मिलते हैं, डिजाइन काफी अच्छा है इसका। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे के साइड भी ये ग्लास बैक आता है और ये कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है दोस्तों। ये जो पीछे साइड है ना, ये कलर चेंज होता है इसका। इसके ऊपर कोई भी चीज रखकर आप धूप को पकड़ेंगे तो जो चीज इसके ऊपर आप रखे होते हैं वो उसका डिजाइन यहाँ पर ऊपर छप जाता है दोस्तों। ये काफी यूनिक डिजाइन है, Vivo V23 सीरीज में आता है। Vivo V23, Vivo V23 प्रो में आता है, V23e में नहीं है। और यहाँ पर 7.3 mm थिकनेस पर आता है, काफी स्लिम स्मार्टफोन है और 181 grams का आता है, लाइट वेट है। और यहाँ पर इन हैंड फील देखें तो ये देख सकते हैं काफी अच्छे से हाथ में एडजस्ट हो जाता है। और वही बात करते हैं Vivo V23e स्मार्टफोन के डिजाइन की। यहाँ पर आपको ये फ्लैट साइड्स भी नहीं मिलते और कर्व भी नहीं मिलते, उतना ही मीडियम में है दोस्तों। कर्व है और फ्लैट दोनों दिखते हैं लेकिन दोनों मीडियम दिखते हैं। और यहाँ पर पीछे के साइड इसमें भी ग्लास बैक है Vivo V23e में भी। और इसके अलावा 7.32 mm थिकनेस पर आता है और 172 grams का आता है। ये भी काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, बहुत ही हल्का सा स्मार्टफोन आपको मिलता है लेकिन कलर चेंजिंग स्मार्टफोन ये नहीं है। और यहाँ पर इन हैंड फील देखें तो ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको ये दिखता है। ये भी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हाथ में एडजस्ट हो जाता है ये भी ये स्मार्टफोन। और चलिए यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में दोनों मुझे अच्छे लगे, ज़्यादा तो Vivo V23 स्मार्टफोन अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो आपको Vivo V23 में आपको मिल जाता है 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है और 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और 91.04% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है दोस्तों इसका, ये देख सकते हैं आप। और बेजल भी एकदम नहीं के बराबर है, एकदम कम है। नीचे के साइड चीन देखें तो ये भी एकदम नहीं के बराबर है, एकदम पतली चीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये अच्छा दोस्तों डिस्प्ले इसका, और 120Hz डिस्प्ले होता तो काफ़ी अच्छा होता लेकिन 90Hz जो आपको मिलता है। वही बात करते हैं यहाँ पर Vivo V23e स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है लेकिन इसमें आपको 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। 60Hz देकर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। स्मार्टफोन का प्राइस तो आपको आगे बताऊंगा, आपको फिलहाल पता होगा लेकिन 60Hz का इसके अंदर रिफ्रेश रेट है तो उतना स्मूथ तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और 90.37% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बेजल थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं आपको साइड में। और नीचे चिन देखें तो ये भी काफ़ी बड़ी चिन दिखती है दोस्तों। और ब्राइटनेस देखें तो इसका भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, वो तो कोई गलत बात नहीं है लेकिन चिन बड़ी है। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर Vivo V23 आगे निकल कर जाता है क्योंकि इसमें आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है और बेजल लेस स्मार्टफोन है और नीचे चिन भी पतली है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे Vivo V23 को। अभी Vivo V23 का एक पॉइंट हो गया, Vivo V23e के 0 points हैं। यहाँ पर कैमरा की बात करेंगे तो आपको Vivo V23 में मिल जाता है 64 megapixel का ट्रिपल रियर कैमरा। एक है मेन कैमरा 64 megapixel का, दूसरा कैमरा दोस्तों 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा कैमरा है 2 megapixel का माइक्रो कैमरा। और पीछे कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो आपको इसमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, एक है 50 megapixel का और दूसरा दोस्तों 8 megapixel का, काफ़ी अच्छी बात है, नॉच मिल जाता है। और आप फ्रंट कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सामने की साइड आपको दो ये LED फ्लैश मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से ये दिखते हैं, ये देख लीजिए ये कुछ इस तरह से। तो चलिए वही कैमरा की बात करते हैं अभी यहाँ पर Vivo V23e स्मार्टफोन को लेकर। इसमें आपको पीछे की साइड है ना
ट्रिबल रियर कैमरा मिलता है, एक है 50 मेगापिक्सल का और दूसरा मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और पीछे कैमरा से आप 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सामने की साइड देखें तो आपको सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है, वो है दोस्तों 44 मेगापिक्सल का और सामने कैमरा से भी आप है ना 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरा के मामले में भी निकल कर जाता है आगे Vivo V23, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और इसमें आप V23e में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और आप V23 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और V23e में आप कर सकते हैं 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग। और Vivo V23 में आपको मिल जाता है डुअल सेल्फी कैमरा और Vivo V23e में आपको मिल जाता है सिंगल सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में Vivo V23 आगे निकल कर जाता है। Vivo V23 के 2 पॉइंट हो गए और Vivo V23e के 0 पॉइंट्स हैं भी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की बात करेंगे तो Vivo V23 में आपको मिल जाता है 4200 mAh की बैटरी और उसी को चार्जिंग करने के लिए 44 वाट का आपको फ्लैश चार्जर मिलता है। वही बैटरी की बात करते हैं Vivo V23e में, इसमें आपको 4050 mAh की बैटरी मिलती है और उसी को चार्जिंग करने के लिए आपको 44 वाट का फ्लैश चार्जर मिलता है। इसमें चार्जर तो दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पर बैटरी के मामले में आगे निकल कर जाता है Vivo V23, क्योंकि इसमें 23 में तो आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है, 23e में आपको 4050 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर Vivo V23 के हो गए दोस्तों 3 पॉइंट्स, V23e के 0 पॉइंट्स हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर Vivo V23 में मिल जाता है आपको MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर मिलता है और 6 NM पर बेस्ड है LPDDR4X RAM मिलता है। यहाँ पर वही बात करते हैं Vivo V23e में, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर मिलता है और वो भी 6 NM पर बेस्ड है LPDDR4X RAM आपको मिलता है। Vivo V23 में तो आपको अच्छा प्रोसेसर मिलता है V23e के मुकाबले में। तो यहाँ पर पॉइंट देने से पहले हम यहाँ पर स्पीड भी टेस्ट करते हैं। हाँ तो चलिए यहाँ पर एक स्मार्टफोन को यहाँ पर रखते हैं, एक स्मार्टफोन को यहाँ पर रखते हैं, रेसेंट टैक्स में से सब कुछ रिमूव कर देते हैं। तो चलिए एक साथ दोनों स्मार्टफोन में एक ही सेम एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे एक साथ में और देखेंगे दोस्तों कौन से स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग है ना स्पीड होता है। मैं गेमिंग टेस्ट वगैरह नहीं करूँगा, यहाँ पर मल्टीटास्किंग करूँगा। तो चलिए 1 2 3 Vivo V23। तो चलिए इसके बाद में 1 2 3 V23। तो चलिए और 1 2 3। तो चलिए देखते हैं और 1 2 3 V23 और 1 2 3 V23। चलिए 1 2 3 V23 और 1 2 3 V23, 1 2 3 Vivo V23 स्पीड के मामले में भी आगे निकल कर जाता है। वैसे प्रोसेसर भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, अच्छा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे भी Vivo V23 को। Vivo V23 के 4 पॉइंट्स हो गए और V23e के 0 पॉइंट्स हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर OS की बात करेंगे तो आपको Vivo V23 में मिलता है दोस्तों फनटच OS 12 मिलता है, एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है और V23e में भी आपको फनटच OS 12 मिलता है और वो भी एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। और यहाँ पर OS यहाँ पर दोनों में अच्छा है दोस्तों, लेटेस्ट है और UI भी दोनों में अच्छा है दोस्तों, लेटेस्ट है। यहाँ पर हम दोनों को पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि दोनों में सेम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। Vivo V23 में आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं दोस्तों, एक है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज और दूसरा है दोस्तों 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज और आप इसमें 4 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। आप लेंगे 8 GB वाला तो आप 4 GB को और बढ़ाकर 12 GB कर सकते हैं और आप लेंगे 12 GB वाला वेरिएंट तो आप 4 GB बढ़ाकर आप 16 GB कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं Vivo V23e में, इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, वो है दोस्तों 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज और इसमें भी आप 4 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। 8 GB प्लस 4 GB करेंगे तो 12 GB रैम आपका इसमें हो जाता है लेकिन स्टोरेज ऑप्शन एक ही है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे
वीवो V23 को, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस आपको मिल रहे ना, तो पॉइंट देंगे वीवो V23 को, तो हो जाते हैं वीवो V23 के 5 पॉइंट्स, वीवो V23e के 0 पॉइंट्स हैं। भी ये क्या कचरा कुंडे में फेंक दूंगा उसको भी। दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको दोनों में डुअल सिम मिलता है और दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस लॉक मिलता है, और वीवो V23 में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, V23e में आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, हेडफोन जैक की बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है, आपको बॉक्स में एक एडेप्टर मिलेगा वहाँ से C2 3.5 mm, वहाँ पर आप लगा कर इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फाइनली बात करते हैं अब प्राइस की, मेन मुद्दा तो यही होता है ना। वीवो V23e का प्राइस है दोस्तों 8GB 128GB का प्राइस है 30,000 मतलब 30,000 रुपीस, और 12GB 256GB का प्राइस है 35,000 रुपीस मतलब 35,000 रुपीस। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 23e के प्राइस की। इसका प्राइस है 8GB 128GB एक ही मिलता है आपको, 26,000 का आता है 26,000। तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो वीवो V23 आगे निकल कर जाता है दोस्तों, यही बेस्ट हो गया, इसको तो अभी हम फेंक देंगे कचरा कुंडी में, नहीं भाई साहब 26,000 का ये भी। तो चलिए आपको इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन लेना है तो 4,000 ज़्यादा दीजिए, इस वीवो V23 को ले लीजिए, V23e को मत लेना दोस्तों। आप 4,000 ज़्यादा देंगे तो आपको इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं भर भर के, और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है, कलर चेंजिंग है, फ्लैट साइड से एकदम काफ़ी प्रीमियम ये फील होता है दोस्तों मुझे। V23e एक बार भी आगे निकल कर नहीं गया, एक बार भी इसको टक्कर नहीं दिया दोस्तों V23 को। तो जो भी है यहाँ पर आपके सामने मैं कंपेयर करके बता दिया, आपको क्या कहना दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा, मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।